हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजे रसोई घर। आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड राइस, सो लेट्स स्टार्ट। 3 बड़े चम्मच तेल गरम करें, उसमें प्याज डालें, प्याज को लाइट पिंक होने तक पकाएं। अब इसमें अदरक लहसुन डालें, उससे भी 1 मिनट पकाएं। अब इसमें कैप्सिकम डालें और पकाएं। अब इसमें गोभी ऐड करें, अगर आपके पास गाजर है तो वो भी ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए। अब 1/2 चम्मच नमक डालें, अब उसको मिक्स कीजिए। तेल में ही हमें फ्राइड राइस मसाला ऐड करना है, जिससे उसकी स्मेल अच्छी आए, और मिक्स कीजिए। अब 1/2 चम्मच सोया सॉस डालें, अच्छे से मिक्स कीजिए। 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस डालें, मिक्स कीजिए। 1/2 चम्मच विनेगर डालें और उससे भी अच्छे से मिक्स करें। 1 चम्मच केचप डालें और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। हमारी ग्रेवी बन गई है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल को 80% ही कुक करना है। अब इसमें मसाला डालें और अच्छे से मिक्स करें। सो हमारे फ्राइड राइस बन के रेडी है। तो आप भी हमें कमेंट में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।